अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फार्माकोलॉजी फार्मेसी टेक्निशियन की का दूसरा लेक्चर है हमारा। इससे पहले हम फार्माकोलॉजी के डेफिनेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके अलावा हम इसकी जो दो फार्माकोलॉजी की ब्रांचेज हैं, फार्माकोनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोनेटिक्स को एक दफ़ा फिर हम रिपीट करते हैं, उसकी आपको रिवाइज हो जाएगा, पता चल जाएगा। स्टूडेंट्स, फार्माकोलॉजी के अंदर की डेफिनेशन के बाद हमने पढ़ा था कि इसकी दो ब्रांचेज हैं, एक फार्माकोनेटिक्स है और एक फार्माकोडायनेमिक्स है। फार्माकोडायनेमिक्स फार्माकोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम ये जानते हैं, ये पढ़ते हैं, ये सीखते हैं कि जो हमारी ड्रग है वो बॉडी के अंदर जाके क्या फार्माकोलॉजी कैसे अपना एक्शन शो करती है, या जो ड्रग है वो बॉडी के साथ बॉडी के अंदर जाके कौन सी फार्माकोलॉजिकल तब्दीली, फिजियोलॉजी या बायोलॉजिकल तब्दीली लाती है, वो फार्माकोडायनेमिक्स थी। फार्माकोनेटिक्स के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर दोबारा उसको रिपीट करते हैं। फार्माकोनेटिक्स फार्माकोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम देखते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो ड्रग के साथ क्या करती है, यानी जब ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है उसके बाद वो जो ड्रग है हमारी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मेटाबोलाइज होती है, मेटाबोलाइज के बाद उसको एक्सक्रीट किया जाता है। ये तमाम जो प्रोसेस है ये फार्माकोनेटिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो ड्रग है, जो डोजेज फॉर्म है, वो किन किन ज़रिए से जो है ना वो हमारी बॉडी के अंदर जो है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन होगी। सबसे पहले यहाँ पे मैंने कीवर्ड्स जो लिखे हुए हैं, सबसे पहले है रूट और उसके नीचे लाइन लगाई हुई है ड्रग है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन है। सबसे पहले इन वर्ड्स पे गौर कीजिएगा कि ये वर्ड्स जो है ये क्या मीनिंग्स दे रहे हैं। जब इन वर्ड्स के मीनिंग्स का आपको पता चल जाएगा तो डेफिनेटली आप जान जाएंगे कि ये रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं रूट। रूट कहते हैं पाथ को या रास्ते को, यानी हमने जो ड्रग बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन जिसकी करनी है, जो बॉडी के अंदर एंटर करनी है, जिसका जिस जिन ड्रग्स का हमने फार्माकोलॉजिकल एक्शन लेना है, उनको किस वे से हमने बॉडी के अंदर एंटर करना है। सो रूट जो है वो आप कह सकते हैं कि एक वे होगा, एक पाथ होगा, एक रास्ता होगा जिस तरीके से हम किसी ड्रग को अपनी बॉडी के अंदर एंटर करेंगे। वो ओरल रूट हो सकता है, वो सबलिंगुअल रूट हो सकता है, उसके बाद वो पेरेंटल रूट हो सकता है, इंजेक्टेबल हो सकती है, रेक्टल रूट हो सकता है, नेजल रूट हो सकता है, यानी वो तमाम वे को फॉलो करते हुए जो ड्रग है, डोजेज फॉर्म है, मेडिसन है, वो हमारी बॉडी के अंदर जाएगी और उसकी बायो अवेलेबिलिटी होगी और अपना फार्माकोलॉजी कलेक्शन शो करेगी। सो रूट जो है वो आप कहेंगे कि ये एक पाथवे है जिसके लिए ड्रग ने आपकी बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन उसकी होनी है। आगे जो वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किया है ये है ड्रग। ड्रग के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ड्रग की डेफिनेशन हमेशा याद जहन में रखिएगा कि ड्रग्स उस सब्सटेंस को कहते हैं, कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि हमारी बॉडी के अंदर जाके नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन को चेंज कर दे वो ड्रग कहलाता है। जो ड्रग्स हैं वो एक तो बीमारी को या डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल हो रही होती हैं, दूसरे नंबर पे आप कह सकते हैं कि डायग्नोस करने के लिए ड्रग इस्तेमाल हो रही है, और तीसरे नंबर पे प्रिवेंशन, डिजीज़ की प्रिवेंशन के लिए ड्रग इस्तेमाल हो रही है। यू रूट्स ऑफ ड्रग्स तक आप समझ चुके हैं कि ड्रग्स क्या है और इसका रूट जो है वो पाथ है, यानी किस तरीके से ड्रग को किस रूट से किस पाथ से हमने जो है वो इसको एडमिनिस्ट्रेशन करनी है या बॉडी के अंदर एंटर करना। अब एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब जो है वो है बॉडी के अंदर इसको एंटर करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना। हम उसको निगल रहे हैं या इंजेक्टेबल रूट से बॉडी के अंदर हम दाखिल कर रहे हैं, रेक्टल रूट से, कोई भी रूट जो है उसको फॉलो करते हुए ड्रग हमारी बॉडी के अंदर आ रही है, वो है एडमिनिस्ट्रेशन। यूँ आप कह सकते हैं कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये होगा कि कोई भी डोजेज फॉर्म जो है वो पेशेंट के लिए उसकी डिजीज़ को क्योर करने के लिए, या उसको प्रिवेंशन, डिजीज़ से प्रिवेंशन देने के लिए, या उसको डिजीज़ का डायग्नोस करने के लिए, जो भी ड्रग जो है वो पार्टिकुलर जो वेज हैं उनको फॉलो करते हुए बॉडी के अंदर दाखिल होती है, उसको हम कहते हैं
रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ड्रग का किसी सोर्स से बॉडी के अंदर मुंतकिल कर देना। अब जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, इसकी सिलेक्शन हम किन बातों पे करते हैं कि हमने किस रूट से किस ड्रग को देना है, तो यहाँ पे कुछ मैंने वर्ड्स लिखे हुए हैं, उनको देखते हैं और उसके बाद कोशिश की जाएगी कि आपको इसके बारे में बता दिया जाए या इसकी डिटेल या आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहले लिखा है सिलेक्शन ऑफ रूट डिपेंड्स ऑन, जब हमने किसी रूट्स को डिटरमाइन करना है कि किस रूट से हमने इस ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन करना है, तो कुछ चीज़ें हैं जिनको हम फॉलो करते हैं या हम इस बात पे ड्रग की सिलेक्शन करते हैं कि हमें कौन से जो पार्टिकुलर इनके एक्शन है वो चाहिए, उस बात पे बेस पे जो है हम जो ड्रग है और उसके जो रूट्स हैं उसकी सिलेक्शन करते हैं। सबसे पहले तो देखा जाता है कि जो ड्रग दे रहे हैं उसकी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद भी जो रूट्स है वो डिटरमाइन हो जाता है कि हमने किस रूट से इस ड्रग को देना है। फॉर एग्जांपल कुछ जो हैं वो हाइड्रोफोबिक ड्रग्स हैं और कुछ जो हैं वो हाइड्रोफोलिक ड्रग्स हैं, ठीक है, पोलर ड्रग्स हैं, यानी उसके इसकी जो एग्जांपल है वो सॉलिड्स हैं हमारे पास, सॉलिड ड्रग जो हैं वो किस रूट से देने हैं, लिक्विड हैं हमारे पास वो किस रूट से देने हैं, गैसेज हैं वो किस रूट से देने हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ड्रग की सोल्युबिलिटी क्या है, यानी वो वाटर सोल्यूबल है या वो वाटर सोल्यूबल नहीं है। इस बेस पे भी अगर वो वाटर सोल्यूबल है तो जीआईटी के ज़रिए भी जा सकती है, जल्दी से वो हमारे जीआईटी के अंदर जो है ना वो डिसइंटीग्रेट होके अपना एक्शन शो कर देगी, बायो अवेलेबिलिटी शो कर देगी, या उसकी सोल्यूबिलिटी वो वाटर सोल्यूबल नहीं है तो हम उसको इंजेक्टेबल रूट से भी दे सकते हैं। अगर सॉलिड रूट से दे रहे हैं तो जो है उस देखेंगे कि सॉलिड रूट ने हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पहुंचना है, स्टोमिक के अंदर पहुंचना है, डिसइंटीग्रेट होना है किसी भी एजेंट ने, सॉलिड ने, अगर आप टैबलेट ले रहे हैं उसने हमारे स्टोमिक में जाना है, स्टोमिक के अंदर जाके उसकी डिसइंटीग्रेशन होनी है, उसके बाद उसकी जो है डिसोल्यूशन होनी है, वो डिसॉल्व होगा, उसके बाद डाइजेशन के बाद डिसोल्यूशन के बाद वो ब्लड के अंदर उसकी बायोअवेलेबिलिटी होगी और उसके बाद उसकी एक्सक्रेशन होगी। लिक्विड है, लिक्विड डिसइंटीग्रेट नहीं होगा, डायरेक्टली जो है वो डिसॉल्व होगा। उसके बाद गैसेज है, डिफ्यूजन के जरिए हमारी बॉडी के अंदर जाएगी। सो ये जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है ड्रग्स की, ये डिटरमाइन करती है कि हमने ड्रग को किस रूट से देना है। उसके बाद हमने आगे एक हेडिंग में लिखा हुआ है थेरेप्यूटिक ऑब्जेक्ट्स के लिए जो है, यानी हमारे थेरेप्यूटिक ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल आपको अगर किसी वजह से खराश आ गई है, ठीक है, तो आपने आयोडीन या पायोडीन एंटीसेप्टिक इसके ऊपर लगा दिया है तो वो जो स्क्रैचेज हैं, जो वो वुंड्स हैं वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर वो डीप वुंड है, अगर वो ज़्यादा ज़ख्म हो गया है, उसके अंदर इन्फेक्शन है, तो आपको एंटीबायोटिक्स की तरफ भी रेफ़र किया जा सकता है। यानी हम सेलेक्ट करेंगे कि किस नोयत की जो डिज़ीज़ है या डिसऑर्डर है उसके मुताबिक जो है हम जो है वो रूट्स सेलेक्ट करते हैं कि जो है कौन सी मेडिसिन जो है वो किस रूट से हमें देनी है। सो थेरेप्यूटिक जो ऑब्जेक्टिव है वो लोकलाइज भी हो सकते हैं, जनरलाइज भी हो सकते हैं। उसके बाद जो है रैपिडली रिस्पॉन्स, कभी कभी कुछ केसेस के अंदर हम देखते हैं कि हमने फॉर एग्जांपल वो हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है, तो हमने वो रूट सेलेक्ट करना है जो ड्रग्स की बायो अवेलेबिलिटी जो है वो जल्द से जल्द हो और बहुत जल्द जो है वो हमें रैपिड एक्शन चाहिए होता है। जिस तरह हार्ट अटैक की सूरत में हम नाइट्रेट्स का इस्तेमाल या हम वो मेडिसिन जो एंजीसेडस सब लिंगल रूट्स को इस्तेमाल करते हैं कि जो है ये इसकी ड्रग्स की जल्द से जल्द बायो अवेलेबिलिटी बॉडी के अंदर अवेलेबल हो, उसको हम फॉलो करते हुए रैपिड एक्शन के लिए जो है वो भी हम रूट सेलेक्ट करते हैं कि हमने इंजेक्टेबल पे इसको डालना है कि हमने इसको सब लिंगल रूट देना है। सो स्टूडेंट्स, रूट्स जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के रूट्स हैं इनकी डिटेल जो है वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लें कि जो मेजर हमारे पास रूट्स हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के वो कौन कौन से हैं, इनकी डिटेल हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले मेजर रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मैं सिंपली आपको बता दूंगा। इंटरनल रूट है, इंटरनल रूट की डिटेल जो है हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन इंटरनल रूट्स के बारे में शॉर्टली आपको बता दूं कि ये एक ऐसा रूट है जो कि जीआईटी से, यानी इंटरनल
इंटेस्टाइनल रूट, यानी ये हम जीआईटी के जरिए जो जो ड्रग्स जीआईटी के अंदर डिजॉल्व हो जाती हैं, डाइजेस्ट हो जाती हैं, या हम कह सकते हैं कि जीआईटी के जरिए हमारी बॉडी के अंदर हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जाती हैं, वो इंटरल हैं। उसमें ऑरल है, उसके बाद सबलिंगुअल रूट है जो हम जुबान के नीचे ये मेडिसन इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद रेक्टल रूट है, और दूसरे नंबर पे है पेरेंटल रूट। पेरेंटल ये हम आपको बता दूं कि इंटरल और पेरेंटल के अंदर जो है ये पैरा एंट्रल और ये एंट्रल ये सेम है, ये दो एंट्रल, ये एंट्रल और ये एंट्रल, यानी एंट्रल रूट जो है वो जीआईटी है, और पेरेंटल यानी पेरेंटल जीआईटी को बाईपास कर रहा है। पेरेंटल रूट जो है जीआईटी के जरिए नहीं है, बल्कि कोई और बाईपास तरीके से ब्लड के अंदर जो है वो इसकी बायोअवेलेबिलिटी मेडिसिन की या ड्रग्स की जो है वो पहुंचाएगा, वो है पेरेंटल रूट्स। ठीक है, वो इंट्रावीनस भी हो सकता है डायरेक्टली, उसके बाद इंट्रामस्कुलर हो सकता है या सबकोटीनियस हो सकता है। इनकी डिटेल भी हम पढ़ेंगे, इनके एडवांटेज भी पढ़ेंगे और इनके डिसएडवांटेज भी पढ़ेंगे। तीसरा हमारे पास जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो है इनहलेशन। इनहलेशन में हम अस्थमा की कंडीशन के अंदर जो हम गैसेज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इनके डिटेल इनहलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें डिफ्यूजन के जरिए जो है वो कौन कौन सी जो ड्रग्स हैं और कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं वो हमारी बॉडी के अंदर या हमारे हम मेडिसिनल पर्पस के लिए कौन कौन से इनहेल हो रहे होते हैं, उनकी डिटेल। उसके बाद इंट्रेंसल रूट है, उसके बाद टॉपिकल रूट्स है, इनकी डिटेल हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।